मिश्रा सुनिएगा और मैं चंद्रशाह राज की खिदमत में ताजा पेश करता हूँ। मिश्रा था कि वफाए हजरत अब्बास का जवाब है। क्या बोलना पड़ेगा आपको, अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई तो बोलिएगा, मुझे लगना चाहिए कि वफाए हजरत अब्बास का जवाब नहीं, वफाए हजरत अब्बास का जवाब नहीं। हमारे दरमियान में इस वक्त हमारे कस्बे के अलावा कस्बे के बाहर के भी लोग, अतराफ के भी लोग यहाँ मौजूद है, मौलाई मजमा है। मैं बशे पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाया, मतलब हाजिर करता हूँ। अमल में इश्क है, अमल में इश्क है, शामिल तो फिर जवाब, अमल में इश्क है शामिल तो फिर जवाब नहीं, अमल में इश्क है शामिल तो फिर जवाब नहीं, अमल में इश्क है शामिल तो फिर जवाब नहीं, बगैर इश्क अली है तो फिर सवाल। मैं अहले फूलपुर की बेहतरीन समातों के हवाले कर रहा हूं और ये फूलपुर हमारा अपने आप में एक मिसाल रखता है पूरी दुनिया में, इत्तेहाद के भी हवाले से, भाईचारे के भी हवाले से। मैं आप सब की खिदमत के शेर पेश करता हूं, मतलब खास मुलाजा फरमाए, बगैर इश्क अली है तो फिर सवाब नहीं। सुनिएगा, अली पे जान लुटाते हैं और लुटाएंगे, कोई बात नहीं, जहां पर
मसाइले हैं दिल में कोई बाब नहीं। अब इस शेर को मैं खास तौर पे आप सब की समातों के हवाले करता हूँ और आपकी नजर करता हूँ, मुझे आपसे दुआएं चाहिए। देखिए तबलीग सिर्फ मेंबरों से नहीं होती है, शोरा की भी जिम्मेदारी है तबलीग का सिलसिला जारी रखे, और अगर मेरी बात सच हो तो तमाम उन तमाम मौलाइयों के की दाद चाहता है इस्लाम गोपालपुरी जो इस पे अमल पैरो हो। मैं शेर पढ़ता हूँ, बतौर खास मिलाजा फरमाए पूरी तवज्जो। जहाँ फजाइल हैदर में कोई बात नहीं, कनीज़े फातिमा ज़हरा है असल में जो भी, कनीज़े फातिमा ज़हरा है असल में जो भी, हिजाब में करती है बेहिजाब। हिजाब नहीं बिछा है फर्श आजा, जो भी चाहे आ जाए। बिछा है फर्श आजा, जो भी चाहे आ जाए। बिछा है फर्श आजा, जो भी चाहे आ जाए। यहाँ किसी के भी आने से इज्तनाब नहीं। और आपको यह शेर पेश करने से पहले एक हल्की सी तम्हीद, क्योंकि अगर आप उस तम्हीद तक पहुंच जाएंगे तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि फिर आपकी दुआएं दाद की शक्ल में मुझ तक आ जाएंगी। मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर खास। तम्हीद यह है कि इमाम हुसैन जनाब अली असगर को अपने हाथों पे लेके करबला के मैदान में आए और सवाल याद किया था, तो वो मंजर जहन में रखिएगा। अब मैं शेर पढ़ता हूँ। जब जनाब अली असगर इमाम हुसैन के हाथों पे करबला के दश्त में आ गए, बन में आ गए, तो जब उन्होंने मुलाहिजा किया तो देखा कि चारों तरफ फौजें खड़ी हैं, तो जनाब अली असगर फरमाते, क्या शेर सुनिएगा। कहां ये देख के असगर ने फौजे आदाब को, बतौर खास कहां ये देख के असगर ने फौजे आदाब को, हर एक संत है कांटे यहां गुलाब, हर एक संत है कांटे यहाँ गुलाब नहीं, हर एक संत है कांटे यहाँ गुलाब नहीं। लिखा है अभी तराई पे खून गाजी से, लिखा है अभी तराई पे खून गाजी से, शेर इलाही तेरा जवाब, लिखा है अभी तराई पे खून गाजी से, दुआए शेर इलाही तेरा जवाब नहीं। मौला गाजी अब्बास की शख्सियत को मद्देनजर रखिए और ये शेर सुनिए। मौला का चाहने वाला खामोश रह नहीं सकता, गाजी के फजाइल को सुनने के बाद मौला का चाहने वाला खामोश रह नहीं सकता। मैं शेर पढ़ता हूँ। दुआ शेर इलाही तेरा जवाब नहीं, अजब दिखाई है अब्बास ने वफादारी, अजब दिखाई है अब्बास ने वफादारी, वफादारी
वफादारी साबित हो, वफादारी साबित हो, क्योंकि दावे को दलील चाहिए, वफादारी साबित हो जाए तो दुआएं चाहिए। अब दूसरा मिसरा बतौर खास, अजब दिखाई है अब्बास ने वफादारी, है पानी झुल्लू में होठों को दस्ते कोई शराब